नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीबीसी ब्रेकिंग में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान स्टारर फिल्म पठान मूवी के फुल अपडेट के बारे में, और वहीं आप लोगों को बताएंगे कि पठान मूवी को कितना ज्यादा बायकॉट किया जा रहा है और साथ ही साथ इस मूवी को कितना ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग पे बने रहें, ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं, देखते रहेगा पूरा वीडियो। तो आप बताया चले कि शाहरुख खान स्टारर फिल्म पठान मूवी का क्रेज, जो कि रिलीज होने के पहले ही इतना ज्यादा बना हुआ है, इस फिल्म को इतना ज्यादा बायकॉट किया जा रहा है और इस फिल्म के गाने को बहुत ही ज्यादा बायकॉट किया गया। साथ ही साथ आप लोगों को बताया चले कि पठान मूवी के जो कि सपोर्टर यानी कि जो फैंस लोग हैं शाहरुख खान के, वो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं और इस मूवी को जो कि बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है ऑडियंस की तरफ से। और वहीं दोस्तों, इस मूवी को जितना ज्यादा बायकॉट किया जा रहा है उतना ही ज्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है। वहीं आमिर खान की फिल्म जो कि थी, जिस मूवी को इतना ज्यादा बायकॉट किया गया, हालांकि सपोर्ट तो मिला ही नहीं, लेकिन दोस्तों पठान मूवी में भी ऐसा ही सेम सिचुएशन है। और वहीं दोस्तों, जितना इस फिल्म को बायकॉट किया जा रहा है उतना ही इस फिल्म को सपोर्ट मिल रहा है, इसी कारण पठान मूवी का क्रेज बस बना हुआ है। और वैसे भी शाहरुख खान बहुत ही लंबे समय के बाद फिल्मी पर्दे पे नजर आ रहे हैं, इसी कारण पठान मूवी का क्रेज और भी ज्यादा बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में। तो आप लोगों को बताया चले कि इस फिल्म को 25 जनवरी यानी कि 2023 में इसी महीने में रिलीज किया जाएगा। और वही यह फिल्म जो कि बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार तरीके से डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद। आप लोगों को बताया चले कि पठान मूवी में आप लोगों को शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम नजर आएंगे। हालांकि जॉन अब्राहम और शाहरुख खान जो कि आमने सामने फाइट करते हुए दिखाई देंगे, और वही दोस्तों दीपिका पादुकोण भी इस फिल्म में आप लोगों को एक्शन सीन करते हुए नजर आएंगे और जोरदार तरीके से फाइट करते हुए दिखाई देंगी। हालांकि पठान मूवी की बहुत ही जोर शोरों से जो कि फैन फॉलोइंग भी बनी हुई है, और वही दोस्तों कुछ जो कि हेटर्स है इस फिल्म को हेट भी कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही चले कि शाहरुख खान की फिल्म पठान मूवी जोरदार और धमाकेदार तरीके से कलेक्शन करने वाली है, क्योंकि इस फिल्म में एक्शन भरपूर है, जोरदार है और धमाकेदार है, और शाहरुख खान बहुत ही लंबे समय के बाद पर्दे पे नजर आ रहे हैं, इसी कारण इस फिल्म की और भी ज्यादा फैन फॉलोइंग बनी हुई है। वही दोस्तों, आप लोगों को पता ही चले कि पठान मूवी को अच्छे खासे रिव्यू भी मिल रहे हैं और फिल्म क्रिटिक्स इस फिल्म को अच्छे खासे रिव्यू दे रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को पता चले कि शाहरुख खान जो कि इतने लंबे समय के बाद जोरदार और धमाकेदार लुक में भी दिखाई देंगे आप लोगों को। वही बात कर लेते हैं शाहरुख खान स्टारर फिल्म पठान मूवी के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में। तो आप लोगों को पता चले कि यह मूवी जो कि अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छे खासे रिस्पॉन्स हासिल कर सकती है, क्योंकि बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में पिछले 2 सालों से अच्छा खासा कमाल नहीं दिखा रही है बॉक्स ऑफिस पर, इसी कारण पठान मूवी का क्रेज और भी ज्यादा बना हुआ है। इसी कारण यह फिल्म अपने पहले दिन कम से कम 40 से 45 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले रही है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, जो कि शाहरुख खान स्टारर फिल्म पठान मूवी कितने करोड़ रुपए का कारोबार करेगी? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और साथ ही साथ हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें। धन्यवाद। जय हिंद।